बेबी मेरा ना ट्रेनर आजकल मुझे बहुत क्रैश वर्कआउट करा रहा है। यू मीन क्रैश डाइट राइट? हाँ, मेरा वेट लूज हुआ है ना? आई डोंट थिंक सो। मैं जरा सा वेट और लूज कर लूँ ना तो मैं सुपर मॉडल बन सकता हूँ। मेरे एब्स देखें, चेक कर लो। या व्हाटएवर। अच्छा, आज डिनर कहाँ से करने बाय द वे? सॉरी, नो ईट आउट, आई एम कुकिंग एट होम। ओ ना यार, वसाबी चलते हैं, सुशी खाने को बड़ा ही दिल चाह रहा है। और वीक में एक दफा जब तक मैं सुशी खा ना लूं मुझे तो चैन नहीं आता। सॉरी, लेकिन मुझे कच्ची मछलियां खाने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें अपनी नई हार्ले डेविडसन की एक राइड तो दिला के आऊं। तुम उसी हार्ले डेविडसन की बात कर रहे हो ना जो एक्चुअली तुम्हारे मामू की है? मैंने फेसबुक पे तुम्हारा स्टेटस देखा था, विद लकी मामू एंड 97 अदर्स। रॉकी, ठीक है अगर वो तुम्हें अपनी बाइक चलाने के लिए दे देते हैं तो, लेकिन ये 97 अदर्स वाला फंडा व्हाई? ओके, आई एम गोइंग टू द किचन। बेबी, इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हारा फेवरेट आईफोन 11 गिफ्ट करने वाला हूँ, पैरेट ग्रीन कलर में। क्या करें जी, हैसियत वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल जी, दे ही ना देना अब तुम कहीं। नो, आई एम गोइंग टू द किचन। मम्मी जी, हेलो हेलो सानिया बेटा। जी मम्मी जी। वो रॉकी ने ना मेरा पुराना फोन तोड़ दिया, उसकी ना स्क्रीन डैमेज हो गई है। वो ना कह रहा था कि समद बॉन्ड से जुड़ जाएगा, मेरा फोन नहीं उठा रहा। जरा बेटा उसे पूछना ठीक हुआ कि नहीं। जी मम्मी जी। व्हाट? हे ईशल। हे शनाया, तुमने मास्क क्यों पहना हुआ है? वो क्या है ना कि लॉकडाउन चल रहा है यू नो, और ना मैं अपना अपर लिप भी नहीं कराया, इसलिए पहना हुआ है। बाय द वे, हैव यू ट्राइड आउट दैट रेस्टोरेंट आमूज? 6,000 पर हेड है, नॉट एनीवन कैन अफोर्ड इट। वो मेरी किटी आंटी है ना, उन्होंने अपनी करवा चौथ पार्टी वहाँ करवाई थी। यू नो व्हाट, 300 पीपल शोड अप। हाँ, मेरे वर्क प्लेस का एक इवेंट था वहाँ पर, काफ़ी फजूल और एवरेज सा खाना है और बहुत ओवर प्राइज है, लेकिन वहाँ पे तो इतनी जगह नहीं, तुम्हारे इतने सारे गेस्ट कैसे आ गए? एनीवे, कभी ख़ुद तुमने कुकिंग की है? यस डेफिनेटली, मैंने कल चिकन बनाया था लेकिन वो जल गया। ओह, चिकन? नहीं, मेरा किचन। एनीवे लीव इट, मुझे बताओ मेरी डायमंड रिंग कैसी है? टिफनीज है। वो मेरा कज़न है ना मार्टी, जो US ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से आया है, उसी ने गिफ्ट की है। ही इज़ गुड लुकिंग एंड रिच। अगर मैं गलती नहीं कर रही तो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी US में नहीं, UK में है। और तुम कहीं अपने उस कज़न की बात तो नहीं कर रही जिसका असल नाम मंसूर है और जो अक्सर लाहौर की पार्टीज में गेट क्रैश किया करता था और UK भी विजिटर्स वीज़ा के ऊपर गया था और वहाँ जाके छुप गया था? Are you crazy? वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, तुम नहीं समझोगी। एनीवे, मेरे डैड मुझे मेरी 20th बर्थडे पे एक नई ऑडी कार गिफ्ट कर रहे हैं। बाय द वे शनाया, वी आर क्लास फेलोज, ओके, एंड आई एम 26 नाउ। बाय द वे, तुम्हारे डैड ने वो अपनी पुरानी वाली करोला बेच दी? वो तो काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन थी। आई थिंक आई एम रनिंग लेट, वेयर इज माई लुई विटों? शनाया, ये बैग तो हमने लिबर्टी मार्केट की वो खुस्सा महल वाली गली से इकट्ठे जाके नहीं लिया था? आई थिंक मार्टीज है, वो अपनी प्रारा पर मुझे लेने के लिए आया है। आई नीड टू टेक दिस कॉल। या बेबी, बाहर खड़े हो क्या? व्हाट? गाड़ी खराब हो गई है, ऊबर पे आ रहे हो? What a loser. हाँ जी, जा किधर रहे हैं? देखा, ये होता है फ़र्क असल और नकल में। जब ओरिजिनलिटी इंसान की होती है तो उसकी बातें कुछ और होती है, और जब आप थोड़ा सा फेक आउट करते हैं तो
तो फिर रिलेशनशिप इसी तरह के ही होते हैं अंदर से। बहरहाल होप आपने इन्जॉय किया होगा, एक ऐसा पहलू था जो आपके सामने लेके आना ज़रूरी था। और बाय द वे जाते जाते हाँ, जिनकी मदर्स हैं उनको बहुत बहुत मदर्स डे स्पेशल, मेरी तरफ से जाके अपनी मम्मीज़ अपनी अम्मियों को ज़ोर से हक कर लीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। और सेफ रहिए, घर पर रहिए, और इंशाल्लाह टिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू एपिसोड। लव लव।